चलो भाई दोस्तों, मेरे भाइयों, आज की वीडियो बड़ी ज़रूरी है आप सभी लोग के लिए, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शरीर को फौलाद कैसे बनाएं, शरीर को ताकतवर कैसे बनाएं। शरीर में एनर्जी नहीं रहती है आपकी, आपकी ऊर्जा नहीं रहती है, और आप सोचते हो कि मैं ऐसा क्या चीज़ खा लूँ, मैं ऐसी कौन सी दवाई पी लूँ, मैं ऐसी कौन सी चीज़ कंज्यूम कर लूँ, ऐसे कौन सी एक्सरसाइज कर दूँ जिससे मेरा शरीर फौलाद बन जाए, ताकतवर बन जाए। मैं पूरे दिन ऐसा लगता है कि जब भी मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाता हूँ या कोई भी काम करता हूँ, मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो गाइस, इस वाली वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। अगर आपने एंड तक देख लिया तो इस वाली वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। वो चीज़ें अगर आप खाना स्टार्ट कर दोगे, वो चीज़ें करना फॉलो कर दोगे, तो आपका शरीर फौलाद बन जाएगा, ताकतवर बन जाएगा, और आप काफ़ी हद तक फिजिकली स्ट्रांग बन जाओगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आपको अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम ज़रूर लेना है। मैंने कल लोगों को देखा है कि उनकी डाइट में कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी पाई जाती है, और जिस भी इंसान के अंदर कैल्शियम की कमी पाई जाती है तो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, जिसकी वजह से उनका कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी डाइट में कैल्शियम वाले फूड्स ज़रूर ऐड करना, जैसे कि आपको दूध, दही, पनीर, मक्खन, लस्सी, छाछ, ऐसी चीज़ें अपनी डाइट के अंदर ज़रूर लेना है। दोस्तों, इन चीज़ों के अंदर आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल जाएगा। जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम जाएगा तो आपकी जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत बनने लग जाएंगी, और आप अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाओगे। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों, आपको अपनी डाइट में खजूर ज़रूर ऐड करना है। दोस्तों, डेट्स जो होती हैं, खजूर जो होती हैं, वो आपकी एनर्जी और ताकत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर मैं बात करूँ डेट्स की, तो करीब एक दिन के अंदर आप कम से कम 3 से 4 खजूर ज़रूर खाएँ। खजूर के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, नेचुरल शुगर होती हैं, जो कि आपकी भरपूर मात्रा में एनर्जी देती रहती हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी इंसान खजूर खाता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाता है। बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स भी उसके अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, एक दिन के अंदर करीब 3 से 4 खजूर ज़रूर खाएं, और बेस्ट टाइम रहेगा कि अगर आप सुबह में कंज्यूम करेंगे, सुबह में खाएंगे, तब तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, अगर आप ब्रेकफास्ट वगैरह में लेते हो। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों, आपको क्या करना है कि अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, मैंने अक्सर लोगों को देखा है एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सोचते हैं मेरे अंदर अभी कमज़ोरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दोगे तो आपकी कमज़ोरी धीरे धीरे गायब होने लग जाएगी, और आप स्ट्रांग बन जाओगे, आप फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट बन जाओगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप 2-3 एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेसिक एक्सरसाइज हैं। दोस्तों, पुशअप्स, पुलअप्स एंड बॉडी वेट स्क्वाट्स, ये ऐसी बेसिक एक्सरसाइज हैं। अगर आपने इन पे कमांड कर ली, इनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लिया, इन पे अगर स्ट्रेंथ बना ली, तो आप और भी एक्सरसाइज बहुत इजीली, बहुत आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों, ये 3 एक्सरसाइज ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें। अगर इन एक्सरसाइज पे आपकी स्ट्रेंथ अच्छी बन जाएगी तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बनने लग जाएगी। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों, आपको अपनी डाइट के अंदर छोले होते हैं या फिर जो चने होते हैं, उनको अपनी डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे भरपूर मात्रा में, आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, वो आपको एनर्जी भी देते रहेंगे, ताकत भी देते रहेंगे। आप किस टाइम खा सकते हैं, जो अगर आप चने वगैरह खाते हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद में ले सकते हैं 10-11 बजे, या फिर अगर आप लंच वगैरह कर रहे हैं तो छोले ले सकते हैं, उसके अंदर आपको प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं पॉइंट के बारे में। दोस्तों, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर रखना है। प्रोटीन जो होता है वो हमारी मसल्स के लिए, बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो प्रोटीन अपनी डाइट में ज़रूर रखें। बात करते हैं पॉइंट के बारे में। दोस्तों, आपको अपनी डाइट के अंदर ड्राई फ्रूट ज़रूर ऐड करना है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर भरपूर मात्रा में आपको हेल्दी फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे, जो कि आपको भरपूर मात्रा में एनर्जी देंगे, और साथ ही साथ आपको फौलाद बना देंगे, आपके शरीर को शक्तिशाली बना देंगे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको शरीर को चेंज करना है, फौलाद बनाना है, एनर्जेटिक रहना है, स्ट्रांग बनना है, तो ये चीज़ें लगातार फॉलो करें, लंबे समय तक फॉलो करें, तभी आपका जो है अपने शरीर में चेंजिंग आ पाएगी, आपकी बॉडी बन पाएगी। तो दोस्तों, यदि आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट यार, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।